कैसे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है लेमन पेपर चिकन सैटी स्पेशल रेसिपी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी वो करते हैं स्टार्ट। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये हैं। जैसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून 3 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद लेमन, 2 टेबलस्पून दही, लहसुन का पेस्ट, 2 अदद लेमन का जूस। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हाफ के जी चिकन ले लिया, चिकन लिए जिसे अच्छी तरीके से हमने धो लिया। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए हमने सबसे पहले करनी है इसकी मैरिनेशन। पेपर चिकन के लिए कर दिया है लेमन का जूस और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दही ऐड कर रहे हैं, नमक और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यह है लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक और काली मिर्च, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, इसे हम कवर करके रखेंगे 30 मिनट के लिए। लेमन पेपर चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, 30 मिनट हो चुके हैं, तो हम करेंगे इसको कुक। हमने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन पेपर चिकन जो हमने मैरिनेट करके रख दी। तो लेमन पेपर चिकन को हमने इसमें ऑयल के अंदर ऐड कर दिया, ये कुक होगी, इसके अंदर ये कुक हो जाएगी अच्छी तरीके से, इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके भुनाई कर लेंगे। चलो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लेमन पेपर चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था, हमने ऑयल में डाला, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है दही का पानी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च पाउडर, तो हम स्पाइस एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ऐड करेंगे हरी मिर्च, क्योंकि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने सारे स्पाइसेस डाल के अच्छी तरीके से भून लिया है हमने। अब इसके अंदर साथ ही हम ऐड कर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून दही दोबारा से, क्योंकि लेमन पेपर चिकन है ये, तो बहुत इसमें दही जाता है। आपको दही ज़्यादा पसंद नहीं है तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं टेट्रा पैक की। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे दम पे, ताकि हमारे चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है, वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छी तरीके से गल जाते हैं। देख सकते हैं कि दही ने कितना पानी रिलीज किया, हमने एक बार खुश कर लिया, दोबारा दही ने पानी रिलीज किया। इसको हम 10 मिनट के लिए कवर लगाएंगे और ये अच्छी तरीके से चिकन टेंडर भी हो जाएगी और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई भी हो जाएगी। और इसको हम लगाएंगे कवर 10 मिनट का। लेमन पेपर चिकन को 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, इसका हम कवर हटा के आपको दिखाते हैं, क्या आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, मगर अभी हमें थोड़ी और उसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट तक हम इसकी और भुनाई करेंगे। आप देखिए चिकन टूटती जा रही है, बहुत ज्यादा ही गल रही है। 10 मिनट के अंदर चिकन हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, और इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। चलो माशाल्लाह 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरीके से भुन चुका है, रोगन भी इसका अलग हो। लेमन पेपर चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, कुक हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, इसको हम करेंगे डिश आउट। लेमन पेपर चिकन हो चुकी है कंप्लीट है, जिसे हमने गार्निश करा हरी मिर्च के साथ, लेमन के स्लाइसेस के साथ, और इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही लाइट मसाले इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर होता है। आप इसे सहरी में ज़रूर बनाइएगा और पराठे के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि सहरी भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम अवतार में इतना अवतार में न्यू रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, सहरी में आपको नई नई रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए और अच्छे अच्छे सालन अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खानी चाहिए, और सहरी को भी अच्छी तरीके से इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।